फ्रेंड्स, स्टाइलिंग कला में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक साल की बच्ची के लिए एक प्यारा सा बेबी फ्रॉक, जो कि मैंने एक दुपट्टे से बनाया है, जो तकरीबन 1.5 मीटर फैब्रिक के बराबर है। तो एक प्यारी सी बेबी फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर नेट फैब्रिक लिया है, 1 मीटर अस्तर लिया है, और क्योंकि मेरे पास पहले से कैन अवेलेबल था तो मैंने कैन भी लिया है। आप चाहें तो कैन ले भी सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। अब हम इसकी मार्किंग देखेंगे। नेक फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम बेबी फ्रॉक के ऊपर के हिस्से की मार्किंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ 13.5 इंच। ये बेबी के साइज के हिसाब से है, आपके बेबी का जो भी साइज हो आप इसके हिसाब से लें। और इसकी जो लेंथ मैं रख रही हूँ वो है 5.5 इंच। हम दोनों मार्क्स को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद इसे कट कर लेंगे। मैंने ऊपर का पार्ट कट करने के बाद सेम तरीके से मैंने अस्तर की भी कटिंग कर ली है। अब हम नीचे घेर की कटिंग देखेंगे। फ्रॉक के नीचे का हिस्सा हमने कट कर लिया है, जिसकी लंबाई मैंने रखी है तकरीबन 14 इंच और जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 30 इंच। ये सिर्फ आगे का हिस्सा है, सेम लेंथ का हम पीछे का हिस्सा कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है और सेम तरीके से हम नीचे का अस्तर भी कट कर लेंगे। मैंने नीचे के अस्तर की कटिंग कर ली है। मैंने अस्तर लंबाई में नेट फैब्रिक से 2 इंच छोटा रखा है। नेट फैब्रिक की लंबाई हमारी 14 इंच थी, इसलिए अस्तर की लंबाई मैंने 12 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 18 इंच रखी है। इसके बाद मैंने कैन का फैब्रिक डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो नीचे घेर के लिए अस्तर लिया था उसी के साइज का हम इसे कट करेंगे। अब हम फ्रॉक के स्ट्रिप की कटिंग देखेंगे, जिसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ 2.5 इंच और जिसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 11 इंच। हम आगे और पीछे दो अलग अलग स्ट्रिप्स लेंगे जिसे हम टाई करेंगे, जो कि बहुत प्यारा दिखेगा। इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, इसे ऐसे ही इसी सेम साइज के हम 4 स्ट्रिप्स काट लेंगे। सो हमारी स्ट्रिप्स रेडी हैं। अब हम आगे का देखेंगे। अब हम इसकी सिलाई देखेंगे। इसके लिए हम पहले इसका ऊपर वाला पार्ट लेंगे और उसे 4 फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसके आर्म होल पर एक हल्का सा कट मारेंगे। ऊपर से 1 इंच और 1 इंच नीचे से हम निशान लगाएंगे और वहां पे इसे कट करेंगे। जैसे हमने पार्ट के ऊपर के हिस्से में आर्म होल पर कट किया था, हमने सेम तरीके से इसके अस्तर में भी कट लगा लिया है। अब हम इसकी सिलाई देखेंगे। हमने यहाँ पे ऊपर का पार्ट ले लिया है। पहले हमने नेट फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर से हमने अस्तर रखा है। हम दोनों आर्म होल से 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, जहाँ पे हम हमारी स्ट्रिप्स को अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से इस तरह फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई मार देंगे। मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। आप अटैच करेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया था, वहां पे हम अपनी स्ट्रिप अटैच करेंगे और कुछ इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से फोल्ड करके हम दूसरी स्ट्रिप भी अटैच करेंगे। मैंने यहाँ
अस्तर और कैन को ले लिया है और अब मैं इनमें यहाँ पे प्लेट्स डालने वाली हूँ। हमें इसमें उतनी ही प्लेट्स देनी है जितना कि हमारा ऊपर का हिस्सा है, ताकि जब हम अटैच करें तो इसमें बराबर घेरा है। हम पहले इसका मेजरमेंट ले लेंगे और उसी हिसाब से अपने नीचे के पार्ट में घेर डालेंगे। अस्तर और कैन को हमने ज्वाइन कर लिया है और इसमें घेर भी दे दिया है। अब जो हमारा नेट का फैब्रिक था हम उसे ज्वाइन करेंगे और उसमें भी प्लेट्स डालते जाएंगे ताकि उसमें भी अच्छा सा घेर आ जाए। हमारे नीचे के गेट के आगे का और पीछे दोनों का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे ऊपर के पार्ट में जोड़ देंगे। हमारा बेबी फ्रॉक रेडी हो चुका है। अब हम इसके नीचे पे फ्रेज ऐड करेंगे जिससे ये और ज्यादा प्यारा लगेगा। हमने तकरीबन 2.5 इंच का नेट फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करके और इसकी प्लेट्स बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे और इस पर सिलाई देते जाएंगे। जैसे ये कुछ ऐसी दिखेंगी और ये नीचे बहुत प्यारा लगेगा। सो हमारी बेबी फ्रॉक यहाँ पर रेडी है और मैंने इसमें नीचे प्लेट्स भी लगा दी हैं जिससे ये और ज़्यादा प्यारी लग रही है। और मैंने इस पर ऊपर एक फ्लावर भी अटैच किया है। आप चाहें तो इस फ्लावर को अटैच कर सकते हैं, वरना ये सिंपल भी बहुत प्रेटी लगेगी। अगर आपको ये मेरा ड्रेस और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यस, मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे इसके लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।